नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फूड कॉर्नर में। आज मैं टैकोज बनाने की विधि लेकर आई हूँ। इन्हें बनाना भी इजी होता है और इनका टेस्ट तो लाजवाब होता ही है। आप इन्हें किसी भी पार्टी या फंक्शन वगैरह के लिए बना सकते हैं। बच्चों को तो यह खास पसंद आता है, तो चलिए बिना वक्त बर्बाद किए फटाफट इन्हें बना लेते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में मैदा लीजिए। मैदा का इस्तेमाल करने के पहले छान लें। अब मैं इसमें सूजी ऐड कर रही हूँ। आप इसमें सूजी की जगह मक्के के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक चम्मच या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दें। हल्का सा मसल कर 1/4 चम्मच अजवाइन ऐड करें। अब इसमें 1 चम्मच गुनगुना तेल डालिए। इन सबको धीरे धीरे मिक्स कर लें। सारी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिला लेना है। अब जरूरत के अनुसार हल्का गुनगुना पानी डालकर डो तैयार कर लें। डो को ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। चपाती बनाने के लिए जैसा डो लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही डो रेडी कर लेना है। इसे ढककर कुछ देर रेस्ट कर लेने दें। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गर्म करें। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें 2 मध्यम आकार के प्याज काट कर डालिए। प्याज पारदर्शी हो जाए तो लहसुन की कुछ कलियों को काट कर ऐड करें। आधी शिमला मिर्च भी डाल दीजिए। यह थोड़ा सा कॉर्न है, इसे भी ऐड करें। 1/2 चम्मच नमक ऐड करें। नमक का यूज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें 5 मध्यम आकार के उबले हुए आलू को मसल कर ऐड करें। आप इस भ्रामर में अपने पसंद की कोई भी सब्जी जैसे कि मटर, पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा पनीर भी ऐड कर सकते हैं। सारे आलू मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसमें 2 चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करें। यह 1 चम्मच ओरिगेनो है। इन सबको अच्छी तरह से मिला लें और बीच बीच में चलाकर 5-6 मिनट के लिए मध्यम फ्लेम पर कुक कर लें। अब इसमें 2 चम्मच पिज्जा सॉस ऐड करें। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। भरावन बिल्कुल रेडी है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें, इसे ठंडा होने दें। चलिए अब डो को फिर से 2 मिनट मसल लेते हैं। इससे 9 से 10 बॉल्स तोड़ लें। इस तरह से मैंने इससे गोले तोड़ लिए हैं। इन्हें गोलाई में बेल लेना है। अगर बेलने में दिक्कत हो तो थोड़ी सी सूखी मैदा या आटे का यूज करें। अब इसे कटोरी की मदद से बिल्कुल गोल काट लें। इसमें कांटे की मदद से छेद कर दें ताकि ये फूल न पाए। आपको इसे अच्छी तरह से फॉक की मदद से प्रिक करना है। ठीक इसी तरह से बाकी को भी बेल कर रेडी कर लें। अब एक तवा गर्म करें। इस पर पूरियों को रख दें। इन्हें पलट कर दोनों ओर से हल्का हल्का पका लें। इसमें ऑयल का यूज नहीं करना है। जब इनका कच्चापन हल्का चला जाए तो इन्हें प्लेट में ट्रांसफर कर लें। अब बेस के ऊपर टमाटो केचप लगा लें। सारे बेस पर थोड़ा थोड़ा केचप लगा लेना है। अब ऊपर से भरावन रख दें। मैं 2 चम्मच भरावन का यूज कर रही हूँ। ऊपर से मोजरेला चीज ग्रेट कर दें, इससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। इन्हें बीच से हल्का सा दबा लें और ये तवे पर सेकने के लिए तैयार हैं। देखिए तवा गर्म हो गया है। इसके ऊपर हल्का सा बटर या ऑयल डालकर चिकना कर लें। एक एक करके इन्हें तवे पर प्लेस कर दें। इन्हें बीच बीच में अलट पलट कर चारों ओर से अच्छी तरह से सेक लें। लगभग 2 से 3 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। टैकोज को प्लेट में ट्रांसफर कर लें। इन्हें आप केचप, चटनी या डिप के साथ इंजॉय करें। टैकोज बिल्कुल तैयार हैं। इनका टेस्ट सबको पसंद आता है। टैकोज बनाने के लिए मैंने जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया है उनकी सूची इस तरह से है। यह सारी चीजें आपको इजी वे में घर पर मिल जाएंगी। सारी सामग्रियों का निर्धारित मात्रा में ही यूज करें। पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब देने वालों का नाम इस तरह से है। आज का सवाल है, क्या मैंने टैकोज बनाने के लिए चीज का इस्तेमाल किया है? Did I use cheese in this recipe? आप भी एक बार इस तरह से टैकोज बनाकर जरूर देखें। यह बच्चे बड़ों सबको पसंद आते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खाने की चीज़ों को बर्बाद न करें और हमेशा एक दूसरे की मदद करें। किसी ने क्या खूब कहा है, ईमानदारी न रही कहीं भी, अच्छाई भी बिलख रही। ईमानदारी न रही कहीं भी, अच्छाई भी बिलख रही। भाईचारा, सहयोग, मदद सब बंद गठरी में सिसक रही।